वो जवान है उनको परेशान कर रहे हैं, बोले किसका मास्क नहीं लगा उसके लिए परेशान कर रहे हैं कि वो ठेला लगा उसको ठेला गिरा रहा है। एक आपने मीडिया में कल भी देखा होगा एक बच्चे का ठेले में से अंडे गिरा दिए है। तो ऐसे कई ठेले वाले हैं जिन लोगों को रोज बेचारे रोज कमा रहे हैं रोज खा रहे हैं, जिन लोगों को रोज अब 4 महीने से लॉकडाउन में अपने अपने घर में बैठे हुए थे, अब 200-150 रुपए रोज कमाते हैं, 200-150 रुपए कमाने के बाद वो अपने घर उठे जाने के लिए वो नगर निगम अधिकारी उनको छीन लेते हैं। नगर निगम अधिकारी वो ऊपर का अधिकारियों ने आदेश दिया हुआ अधिकारी को कि आप रोज 25 चालान बनाएंगे तो ही आप घर जाएंगे, तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा या आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अधिकारी जो कर्मचारी लोग हैं यार वो भी घबराए हुए हैं, और झोन के जो हेडो हैं और जो नीचे वाले हैं ऐसा ही वगैरह सबको ये टारगेट दिया गया है कि भाई आप 25-25 लोगों चालान बनाएंगे, ये आतंक इतनी और क्या है। ये मैं बताना चाहता हूँ आपको, गाँव बेचारे गाँव में बड़ी मुश्किल से यहाँ आए हैं, किराए के मकान में रहते हैं, 4 महीने से मैं उन लोग घर लगातार उनके घर भी गया हूँ, उनके घर पर अनाज दिया, परंतु आज वो उनके माँ बाप घर पर इंतजार करते हैं कि बच्चे लोग कि मेरे पिताजी आएंगे और 150 रुपये लाएंगे तो घर पर दूध आएगा चाय आएगी आटा आएगा, परंतु उसके पहले ही नगर निगम के अधिकारी लोग उसको छीन लेते हैं। तो आप देखिए जो घर के लोग भूखे मर रहे हैं, घर में बैठे बेचारे बच्चे 4 महीने से, जो परिवार की उसकी माता है बच्चे हैं, मैं जाके देखता हूँ वहाँ पे क्या स्थिति है, क्योंकि जो मेरा इलाका पूरा गरीब बस्तियों का इलाका है और उसके अंदर अब जरा ठेले वालों हो या व्यापारी हो उन सबको परेशान कर रखा है, क्योंकि व्यापारी को बेचारा 11 दिन दुकानें खुल रही है उनकी, उसके बाद उनको मास्क लगा के इसके 5,000 चलान बनाया जा रहा है, 10,000 बनाया जा रहा है। तो ये कार्रवाई मैं अधिकारी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसी कार्रवाई ना करें, हम भी जाते हैं जो कोरोना महामारी चल रही है तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें, क्योंकि ये महामारी ऐसी दूरी बनाने से ही पूरी होगी, परंतु गरीब परिवार के लोग व्यापारियों को जो परेशान किया जा रहा है इंदौर प्रशासन द्वारा, तो ये तारा सही नहीं चलने दिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन अधिकारियों के में लगाम डालें और इनको जवाब दें कि ये ढंग से काम करें, जो परेशान ना करें, लॉकडाउन का पालन करें, सब करवाएं, हम भी उनके साथ में हम भी करवाएं। वो लगातार 4 महीने से जैसा जैसा हमको बोला गया है उसको वैसे वैसे हम सबने मिलकर आए, कभी हमने सरकार का विरोध नहीं किया, हमने अधिकारियों का विरोध नहीं किया, परंतु आज विरोध करना इसलिए पड़ रहा है कि ये लोग परेशान कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये गुंडे बन गए, अधिकारी गुंडे बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो गुंडों को तो ये इनके वहाँ जमा कर रहे हैं, ये अभी देखिए कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर जितने भी गुंडे इन सबको बंद कराया है या इनको छोड़ के भाग गए थे, अभी स्थिति हो गई वो सब गुंडे आज आके थाने में जमा हो रहे हैं, और आज की तारीख में उनको सेंशन कौन दिया जा रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आदरणीय अधिकारियों द्वारा, इसलिए आज वो आतंक भय दूर हो चुके हैं और गुंडागर्दी को करने लग गए किस गरीब परिवार के ऊपर। मैं चाहता हूँ ऐसा ना करें, उन गरीब परिवार के लिए आप राशन की व्यवस्था करें, क्योंकि सरकार द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 80 करोड़ लोगों को राशन की व्यवस्था करी है, परंतु आज तक किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिल रहा है, ये कहाँ जा रहा है इसकी जवाब बताएं। राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, गरीब रेखा का कार्ड नहीं बन रहे हैं, मजदूर डायरी नहीं बन रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग से बनवाएं, गरीब परिवार को ऐसा ना करें या अन्याय ना करें, क्योंकि जिसे आप सरकार गिराना चाहते हो वो सरकार गिराइए। तो मैं चाहता हूँ क्योंकि 15 महीने सरकार कमलनाथ जी जो कर दिखाया वो उसके लिए आप लोग डर गए, उपचुनाव में हम कांग्रेस सरकार बनेंगी, हम फिर उसके बाद वापस सही करेंगे, और जो आतंक मचा हुआ भू माफिया हो या उनको फिर